हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू रियल क्विक एनालिसिस चैनल चलिए जल्दी से बात करते हैं अब हम अपने आज के रोचक रियल क्विक एनालिसिस की आज के वीडियो पार्टनर हैं मनोज जैन साहब फ्रॉम हैबल बेंगलोर स्पॉन्सरशिप के लिए आपको धन्यवाद हम सभी को पता तो है ही कि साल 2015 में भारत और फ्रांस ने मिलकर आधारशिला रखी थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो कि आज संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बन गया है लेकिन पाँच दशमलव पाँच बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट मैनेज करने वाले आई का महत्व और लाभ क्या है और यह किस लिए बनाया गया है इस बारे में हम सभी के मन में असमंजस बना रहता है यह हम सभी का आम अनुभव है कि यदि आप किसी चीज़ को ग्रुप के लिए ऑर्डर करें तो आप कम कीमत और अच्छी क्वालिटी के लिए मोलभाव और अधिक मजबूती से कर पाते हैं यही कॉमन सेंस काम कर रहा है आई की आधारशिला में जिस पर काम करते हुए आई की तरफ से भारतीय कंपनी एनर्जी इफिशेंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि ई ने आई में शामिल सभी देशों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान लगाया कि इन सभी देशों में कुल मिलाकर चार करोड़ सत्तर लाख सोलर पावर बेस्ड होम पावर सिस्टम की डिमांड होगी हर सोलर होम पावर सिस्टम में शामिल होता है सोलर पैनल बैटरी एलईडी बल्ब्स, फैन और चार्जिंग पोर्ट जिससे रेडियो टीवी और यूएसबी को कनेक्ट किया जा सके सरल शब्दों में यह होम पावर सिस्टम निश्चित करेगा कि चार करोड़ सत्तर लाख घरों में बिना बिजली के भी काम चलता रहे और उजियारा बना रहे इसलिए चार करोड़ सत्तर लाख होम पावर सिस्टम के लिए आई की तरफ से खर्चा किए जाना है 28 बिलियन डॉलर का अब हम सभी को समझ आ गया है कि एस ए आखिर है किस लिए देख लीजिए साहब मोदी जी ने जो बीच पांच साल पहले बोया था अब उसमें 28 बिलियन डॉलर के ऑर्डर रूपी फल भी लगने लगे हैं और इतने बड़े ऑर्डर की शुरुआत के लिए ई ने इस साल जुलाई महीने में तिरानवे लाख होम पावर सिस्टम के लिए टेंडर निकाला था लेकिन सबके पास थी डिमांड विजिबिलिटी और सभी को अंदाजा था कि यह कितना बड़ा ऑर्डर है अच्छी बात यह है कि इस महीने की पंद्रह तारीख को ई के पास चार बिड भी आ गई और लाइव मिंट की रिपोर्ट के अनुसार फिलिप्स और ओकाया जैसी कंपनियां इस रेस में सबसे आगे हैं अब इन चारों बिट्स का टेक्निकल दृष्टि से मूल्यांकन हो रहा है और इस चरण से निकली कंपनियों को होम पावर सिस्टम की, की कीमत कोट करनी होगी ईईएसएल तय करेगा कि तिरानवे लाख की डिमांड को कौन कौन सी कंपनी कितनी मात्रा में पूरी करेंगी और फिर जो लोएस्ट प्राइस फाइनल होगी उसी प्राइस पर इन कंपनियों को प्रोडक्ट आई मेंबर्स को सप्लाई करने होंगे सरल शब्दों में इस पूरी प्रक्रिया के जरिए आईएसए के सभी सदस्य देशों को कन्फर्म पता चल जाएगा कि वह जो होम पावर सिस्टम खरीद रहे हैं वह सबसे कम कीमत का है बड़ी बात यह है कि होम पावर सिस्टम की प्रोजेक्ट की गाड़ी चल पड़ी है और यह बात और है कि मीडिया में इस उपलब्धि को कवर कम ही किया जा रहा है हाँ अगर कहीं गलती से ईएसएल के टेंडर को यदि कोई भी बिड नहीं मिलती तो आप पक्का जानिए अभी तक बिग ब्रेकिंग न्यूज का भूकंप जरूर आ जाता दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही पॉजिटिव एंड प्रीमियम वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए तो अब बड़ा सवाल यह है कि यह ऑर्डर तो कुछ महीनों में प्लेस हो ही जाएगा लेकिन इसका लाभ कहीं चीन को तो नहीं मिलेगा क्योंकि सोलर पैनल हो या बैटरी हो सबके सब तो चीन से इम्पोर्ट होते हैं तो दोस्तों फॉर्मल जवाब तो यह है कि ई एस एल के टेंडर में यूनाइटेड नेशन के नियमों का पालन किया जा रहा है मतलब दुनिया का हर देश इसमें भाग ले सकता है और इस ऑर्डर के लिए माल सप्लाई कर सकता है लेकिन शायद आपके ध्यान में हो जल्द ही मोदी सरकार भारत में सोलर मॉड्यूल के इम्पोर्ट पर चालीस प्रतिशत और सोलर सेल के इम्पोर्ट पर पच्चीस प्रतिशत की कस्टम ड्यूटी लगाने जा रही है और इसी बीच इन सोलर सेल्स और मॉड्यूल की लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए पैंतालीस करोड़ रुपयों की पी स्कीम भी लॉन्च कर दी गई है इसलिए यदि आप इंडिया की लोकल डिमांड आई की ग्लोबल डिमांड बढ़ी हुई कस्टम ड्यूटी और पी स्कीम इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करें तो आपको मोदी सरकार की सोची समझी रणनीति की झलक साफ साफ दिख जाएगी इस प्रकार साफ हो जाता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक ऐसा डिप्लोमेटिक प्रयास है जिससे व्यापार की असीम संभावनाएं और रोजगार के अनेक अवसर पैदा हो रहे हैं लेकिन इन संभावनाओं के साकार होने में समय तो पक्के से लगेगा अब आप ही बताएं क्या एक दिन में बीज बरगद बन जाता है हमें पूरा विश्वास है कि आई का सोलर होम पावर सिस्टम का प्रोजेक्ट सफल होगा और इसका लाभ ना केवल भारत को बल्कि इस संगठन में शामिल हर देश को बराबर मिलेगा अंत में इस वीडियो के स्पॉन्सर मनोज जैन साहब को धन्यवाद देते हुए हम यह वीडियो समाप्त करते हैं सो so, ये था हमारा आज के एनालिसिस हमेशा की तरह अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए और ऐसे ही एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अब आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स